जदयू में बड़ी टूट की दावा उन्हीं के एमएलसी ने कर दी है। रामेश्वर महतो ने उमेश कुशवाहा पर कई आरोप लगाए हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पर सीधे तौर पर अभी मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया है, मगर उपेंद्र कुशवाहा ने जिस प्रकार से और भी जो सांसद हैं उसको उसके टूटने की भी बात कह रहे हैं, और साथ ही अभी हम तमाम इन जदयू की बड़ी टूट की संभावनाओं पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं अभी वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी, उनसे अभी समझेंगे कि क्या कुछ टूट हो रही है और क्या होने वाला है। सर, जिस प्रकार से उनके एमएलसी का बयान आया, उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आ रहा है, तो इन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या जदयू अभी और भी टूटेगी? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दावे तो बीजेपी भी करती रही है और उपेंद्र कुशवाहा जब सलग हुए हैं तब से दावे करते रहे हैं, लेकिन जेडीयू अभी तक तो टूटी नहीं है। और जेडीयू के एमएलसी हैं रामेश्वर महतो, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर निशाना साधा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से दूर हो गए। जी, एक तरफ से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ कर दी है और बता दिया है उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी। जी, उनका कहना था कि उपेंद्र कुशवाहा अच्छा काम कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ ठीक से काम कर रहे थे, नीतीश कुमार को भी उपेंद्र कुशवाहा पसंद थे, लेकिन उमेश कुशवाहा की वजह से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में मतभेद पैदा हुआ, दूरी पैदा हुई। और वह और भी बातें कह रहे हैं कि और भी नेता नाराज चल रहे हैं, वो लगातार दरकिनार करते जाते हैं, गुटबाजी की आरोप लगा रहे हैं कि ये गुट बनाकर काम करते हैं, ऐसे तमाम चीज़। देखिए, आरोप तो उन्होंने गंभीर लगाए हैं, अगर पार्टी के एमएलसी हैं और प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जी, तो मानकर चलिए कि उनका भी रास्ता कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। जी, वो पार्टी या तो छोड़ने का मन बना चुके हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोलना मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि ये पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। जी, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, मतलब उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा सकते हैं, संपर्क में है, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी मौका मिल गया है। फिर उन्होंने दावा कर दिया है कि जेडीयू में बड़ी टूट होगी, और बड़ी टूट का मतलब उन्होंने कहा है कि कई सांसद, कई विधायक जल्द ही जेडीयू को छोड़कर उनकी पार्टी में आएंगे। जी, लेकिन उन्होंने अभी तारीख नहीं बताई है कि टूट कब होगी, कब जेडीयू के सांसद और विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सही मुहूर्त का इंतजार है, तो सही मुहूर्त कब आएगा ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि 27 तारीख के बाद, जी 27 तारीख है, इसके बाद शादी ब्याह का मुहूर्त बंद हो जाएगा। अच्छा, कोई शादी ब्याह, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाएगा, खरमास शुरू हो जाएगा, क्योंकि 4 महीने का होता है ना शयन एकादशी। शयन एकादशी है 27 तारीख को, और उस शयन एकादशी के बाद 4 महीने का चतुर्मास शुरू हो जाता है, और कहा जाता है कि इन 4 महीने तक विष्णु जी शयन करते हैं, तो कोई शुभ कार्य नहीं होता, मांगलिक कार्य नहीं होते, शादी ब्याह नहीं होता है। तो अगर शुभ मुहूर्त का इंतजार है तो 2-3 दिन का ही टाइम है, तो 26 तारीख हो गया, 27 कल ही एक दिन का टाइम है, और ठीक उसके पहले जेडीयू के एमएलसी ने ये राग छेड़ा है जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोला है, उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ की है, तो अगर कुछ बड़ा कुछ वाकई है तो कल तक हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर तो 5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, 4 महीने का नवंबर चला जाएगा, 5 महीने का करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार 5 महीने तक शयन करेंगे विष्णु जी। जी, आपको पता है ना कि सावन 2 महीने का हो रहा है। जी, सावन 2 महीने का हो रहा है इस बार का, इस बार तो इस बार 4 महीने का शयन नहीं होगा, 5 महीने का होगा, तो 5 महीने तक तो विष्णु जी सोए रहेंगे। राजनीति तोड़ जोड़ तो हो सकता है ना इस बीच में? जोड़ तोड़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं शुभ मुहूर्त का इंतजार है, मतलब 5 महीने में कोई शुभ मुहूर्त नहीं नहीं है, लेकिन अब राजनीति में कोई मुहूर्त होता है, जिस दिन मौका मिल जाए नेता उसी दिन पाला बदल दे। 5 महीना तो राजनीति में बहुत लंबी अवधि होती है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि विपक्ष गोलबंद हो रहा है बीजेपी के खिलाफ। मगर जो एक बड़ी बात आ रही है, वो तारीफ कर रहे हैं उनके एमएलसी नीतीश कुमार का, और जो पहले जो वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उनकी तारीफ कर रहे हैं, और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम भी रहे हैं, तो क्या और भी विधायक और एमएलसी उनसे नाराज चल रहे हैं? देखिए, नेताओं से वो या अपनी संभावनाएं देख रहे हैं कि नीतीश की नैया कहीं कुछ डूब रही है, बढ़ रही है? रामेश्वर महतो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत प्यार करते हैं जी, उन्होंने ही उनको एमएलसी बनाया है, वाकई उन्होंने उनको एमएलसी बनाया है, तो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे सीधे तो बहुत खराब संदेश जाएगा। वशिष्ठ नारायण सिंह की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं, गुटबाजी करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वर्तमान जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है वही पार्टी का आलाकमान है ना भाई जी, अब उसके खिलाफ मोर्चा खोल के आप नीतीश कुमार की तारीफ करके, वशिष्ठ नारायण सिंह की तारीफ करके बच जाइएगा?
मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे, कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई पर इसमें देखा जा रहा है कि जदयू के 45 विधायक हैं, लगभग 43 से दो और बढ़े 45, एमएलसी भी हैं, लगभग एक तिहाई एमएलसी उनका ही है, और सांसद भी 16 हैं। तो इसमें और भी क्या तोड़ जोड़ की संभावनाएं, कई लोग अलग अलग प्रकार से जो लगाते रहते हैं कि कुछ बीजेपी में जाएंगे कुछ जदयू, इसको कैसे देखते हैं? ये हवाबाजी है, बयानबाजी है? लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, चुनाव के पहले तो भगदड़ मचती है हर दल जी। अब देखिए नीतीश कुमार के 17 सांसद हैं, 16 सांसद लोकसभा लोकसभा में हैं, तो 16 को सीट तो पहले नीतीश जी को यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पे ही संशय? बिल्कुल नहीं मिलेगा जी, क्योंकि महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस और वाम दल, कांग्रेस है, वाम दल है, आरजेडी है जी, आरजेडी। तो गणित तो यही बैठाया जा रहा है सूत्रों से के हवाले से जो आ रही है कि 12-12 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी लड़ेगी, और बाकी जो सीटें बचेंगी घटक दल 16 सीटें उसको बांट दिया जाएगा घटक दलों के बीच। तो कांग्रेस पार्टी है जो बड़ा दावा करेगी जी, क्योंकि उसको बड़ा सेक्रीफाइस भी करना है विपक्षी एकता को लेकर, तो बड़ा दावा कर सकती है। 9 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी, हो सकता है कि उसको इस बार कम मिले, 2 सीट कम मिल सकता है। लेकिन वाम दल भी 9 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, CPIML है, CPI है, CPM है, माझी तो अलग हो चुके हैं। 16 सांसद हैं और कम सीटें मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जो 4-5 सांसदों में नाराजगी होगी, बहुत ऐसे सांसद तो वो तो इधर उधर सेटलमेंट देखेंगे ना। बहुत ऐसे सांसद होंगे जो गठबंधन की वजह से जीते होंगे, पहले तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे ना, बीजेपी के साथ उनकी पार्टी का गठजोड़ था और उसका समीकरण कुछ और था, अब वो JDU RJD के साथ अब है, तो अब समीकरण कुछ और है जी। तो उस JDU RJD या कांग्रेस के समीकरण में जो सांसद फिट नहीं बैठेंगे, जिनको लगता है कि यहाँ लड़ने से उनको वोट नहीं मिलेगा, उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा मजबूरी में जी। उसी तरह से जो बीजेपी के साथ अलायंस था JDU का जी, और उस दौरान बीजेपी के सांसद जीते थे, लेकिन अब JDU अलग है तो नहीं जीत पाएंगे, तो वो भी रास्ता तलाशेंगे। लेकिन बीजेपी के पास है क्या कि सीटें बहुत हैं, बीजेपी के पास 30 सीटें हैं लगभग, हाँ, उनके कोई भी सांसद पैदल नहीं होंगे, मतलब पिछली बार तो हो गए, खुश कर सकती है नीतीश कुमार जब JDU के साथ गए थे तो 6 सांसद उनके हटाए, टिकट हो गए जी, टिकट। इस बार ऐसी संभावना कम है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी कई सांसदों को पैदल करने वाली है जी, और कई नए लोगों को मौका देने वाली है, तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। पर भाजपा में एक अलग चीज़ें थी कि राज्यसभा कुछ लोगों को सेट की और कुछ को राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैसे चीज़ों में भी रख के या अपने संगठन में रख के। भाजपा बड़ी पार्टी है, केंद्र में उसकी सरकार है, बहुत लोगों को बहुत जगहों पर सेट कर सकती है, ये सहूलियत RJD के पास भी है, क्योंकि उसकी सरकार बिहार में है ना भाई जी, वो भी बोर्ड में निगम में बहुत महत्वपूर्ण ऐसे बोर्ड है, निगम है, वहाँ पर एडजस्ट कर सकती है। तो भगदड़ के दावे में दम तभी दिखेगा ना जब पार्टी टूट जाए, केवल कहने से कि पार्टी टूट जाएगी, बीजेपी तो आज से कह रही है कि JDU टूट जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि JDU के कई सांसद नेता सब संपर्क में है, रोज फोन कर रहे हैं, लेकिन सही मुहूर्त का इंतजार है। अब सही मुहूर्त कब आएगा भाई, अब तो आप अलग हो ही चुके हैं बीजेपी के साथ जाने का। ये खबरें लगभग बीते एक दशकों से चल रही है कि नीतीश कुमार, मतलब जब से 2013 से नीतीश जी बीजेपी से अलग हुए हैं या हटे हैं, तो उस समय से नीतीश कुमार पर ये लगते रहता है कि जदयू अब टूटेगी, अब समाप्त होने वाले नीतीश मुख्यमंत्री, मगर हर सुबह से शाम तक एक खबर बनती है, ऐसा होता नहीं। JDU और RJD का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए जी, RJD का मतलब है लालू यादव जी, और लालू यादव का मतलब है RJD, अब तेजस्वी यादव हो गए हैं लालू की जगह जी, और JDU का मतलब है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का मतलब है JDU, तो कोई छोड़ दे आ जाए चला जाए क्या फर्क पड़ता है, नीतीश हैं जब तक, नीतीश हैं तब तक उनकी पार्टी है। चलिए तो ये बात कर रहे थे हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी से, और भी तमाम बातें करते रहेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे, मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।